हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट नितिन में। दोस्तों आज फिर से हाजिर हो गए आपकी सेवा में लेकर दोस्तों जड़ से मकान। आप जानते हैं कि इस चैनल पर इंडिपेंडेंट नितिन यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलता है हमेशा आपका अपना जड़ से मकान, यानी कि आपका जो सपना जो आप देखते हैं वो आपको मिलता है इंडिपेंडेंट नितिन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज आपकी फरमाइश पे एक बार फिर से हम जो है इंडिपेंडेंट हाउस देखेंगे, इंडिविजुअल हाउस जड़ से बना हुआ आपका अपना खुद का 25 फीट के वाइड रोड पर दिल्ली की लोकेशन में आपको जो है ये हाउस देखने को दोस्तों मिलेगा। ये सामने आप जो हाउस देख रहे हैं न्यूली कंस्ट्रक्शन न्यूली बिल्ट हाउस जो है आज आपको दिखाएंगे दोस्तों। लोनेबल प्रॉपर्टी है, लोन ईजिली आप यहाँ पर करवा सकते हैं, वो हम आपको करवा कर देंगे अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। दोस्तों दिल्ली जल बोर्ड से आपको जो है यहाँ पर मीठे पानी का कनेक्शन मिल जाएगा, सीवरेज कनेक्शन आपको मिल जाएगा। सीवरेज तो वैसे यहाँ पे ऑलरेडी डले हूँ, आप जानते हैं, जैसे कि मैं हमेशा की तरह जो है आपको दिल्ली की लोकेशन में जो भी हाउस वगैरह दिखाता हूँ पक्की कॉलोनी के अंदर दिखाते हैं, सीवरेज वगैरह कनेक्शन भी डले हुए हैं। IGL से गैस पाइपलाइन का कनेक्शन मिल जाएगा आपको और BSES राजधानी से आपको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मिल जाएगा, जिसका अभी मीटर आप देख रहे हैं क्योंकि न्यूली कंस्ट्रक्शन हाउस है जिसका मीटर यहाँ पर लगा हुआ है। अब अंदर से जितनी भी डेंटिंग पेंटिंग क्लियर होने के बाद ये हाउस का मीटर जो है आपके हाउस पर लगेगा। दोस्तों सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी, हॉस्पिटल, बैंक, ATM, जिम, स्कूल, मार्केट, सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर मिलेगी। मेट्रो यहाँ से उत्तम नगर एंड नवादा मेट्रो स्टेशन, दो मेट्रो स्टेशन है जो यहाँ से नियर बाई पड़ेंगे। ऑटो रिक्शा सारी फैसिलिटीज़ आपको जो है घर के नियर बाई मिल जाएगी, सारी फैसिलिटी आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ के एलिवेशन की, तो एलिवेशन देखते हैं। सबसे पहले जो है फ्रंट का एलिवेशन आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में गुड लुकिंग टाइल वर्क के साथ आपको जो है एलिवेशन मिलने वाली है। यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर बालकनी रहने वाली है इसमें आपको SS की ग्रिल हम लोग अपनी तरफ से लगा कर देंगे दोस्तों। और आपका जो फ्रंट रहने वाला है, थोड़ा सा आगे आके देखते हैं हम लोग, तो फ्रंट आपका रहने वाला है जो यहाँ पर आपको आयरन का MS का गेट, काफ़ी हैवी गेट यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको देखने को दोस्तों मिलेगा। और उसके बाद बाइक पार्किंग की जगह आपको मिल जाएगी। और इस मकान का जो साइज़ मैं माफ़ी चाहूँगा स्टार्टिंग में आपको बताया नहीं, 33 गज में बना हुआ आपको जो है 33 गज का बना हुआ ये जड़ से मकान, जिसकी डायमेंशन की अगर बात करें तो 10x30 इसकी जो है डायमेंशन रहने वाली है। पूरा मार्बल वर्क दोस्तों आपको यहाँ पर बाहर की साइड में जो आपका रैंप बनाया गया जिससे बाइक पार्किंग आपकी इजीली हो सके स्टेयर में, और यहाँ पर जो चौकी बनाई आपके बैठने के लिए यहाँ पर पूरा मार्बल का वर्क दोस्तों देखने को मिलेगा। पूरी एलिवेशन पर आपको जो है यहाँ पर टाइल वर्क ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन के साथ मैच करके दोस्तों दी जा रही है। बहुत ही खूबसूरत हाउस आपका जो है अंडर बजट, जैसा आपका बजट है दोस्तों आने वाला है। और मैं बता दूं कि 5 लाख रुपए, मतलब 5 लाख रुपए देकर आप अपना ये हाउस जो है दोस्तों फाइनेंस करवा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर करना, एक छोटा सा कमेंट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में हमारी मेहनत के लिए दोस्तों छोड़ देना। एंट्री करते सबसे पहले एक वॉशरूम आपको मिल जाता है यहाँ पर, जो थोड़ा सा डीप रखा गया है जिससे कि स्टेयर के नीचे का पोर्शन है आपको जो है वॉशरूम में जाने की परेशानी ना हो। पूरा एंड टू एंड टाइलिंग वर्क मिलेगा, सैनिटरी फीचर्स आपको ब्रांडेड कंपनी के दोस्तों यहाँ पर लगा कर देंगे, टैप टूटी शावर वगैरह सब मिलेंगे आपको, गीजर का पॉइंट आपको इस पोर्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर गीजर का पॉइंट लगाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है दोस्तों स्टेयर मिलती है, स्टेयर यहाँ से आपके ऊपर तक जाएगी, पूरा जड़ से आपका अपना मकान है, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक आपको जो स्टेयर मिलेगी यहाँ पर पूरा मार्बल के वर्क के साथ, और यहाँ पर आपको ग्रिल भी साइड में लगी हुई मिलेगी जब आप विजिट करेंगे। अंदर आते ही सबसे पहले जो है ये हमारा पहला बेडरूम रहेगा जिसको आप अपना लिविंग एरिया भी बना सकते हैं। डुप्लेक्स बना हुआ 4 कमरों का सेट आपको दोस्तों यहाँ पर मिलेगा, 2 किचन मिलेंगी और आपको दोस्तों यहाँ पर 2 वॉशरूम देखने को मिलेंगे। अभी बिल्कुल नया ये रेडी हुआ है मकान दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो पेंटिंग होनी है इसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाता है अगर आप अभी ये मकान बुक करते हैं तो, यहाँ पर अपनी मर्जी की कोई पेंटिंग करवाना चाहते हैं वो करवा सकेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर कोई वॉलपेपर आप अपनी मर्जी से लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकेंगे, हम आपको बुकलेट दे देंगे, उसके बाद जैसे आपकी मर्जी जो सा वॉलपेपर आप चूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पर 3D कस्टमाइज जैसा भी वॉलपेपर हो, टेक्सचर वर्क हो, वो आप अपनी मर्जी से दोस्तों करवाए जाएंगे। ऊपर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ऊपर का पोर्शन अभी देखना बाकी है, अभी हम सिर्फ नीचे का देखेंगे। अच्छे बजट के अंदर आपको जो है ये 33 गज का बना हुआ मकान दोस्तों देखने को मिलेगा दिल्ली की लोकेशन में। ऊपर के पोर्शन में फॉल सीलिंग आपको सेंटर में और सर्कल शेप में मिल जाएगी, LED और कोवलाइट का वर्क दोस्तों यहाँ पर, LED का जो कलर है वाइट रहेगा, कोवलाइट का जो कलर है येलो एंड ब्लू रहेगा। और फ्लोरिंग भी आप देखेंगे स्टार्टिंग में जहाँ से आपकी एंट्री हो जाती है वहीं से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, तो जहाँ से आपकी स्टार्टिंग है पूरा वहाँ से लेके पूरा जहाँ तक आपका मकान की जो है एंड हो जाता है वहाँ तक पूरा आपको वुडन स्टाइल में टाइल वर्क दोस्तों फ्लोरिंग में देखने को मिलेगा।
रूम के बाद हम आ जाते हैं, मैं पहले आपको रूम का साइज बताया था दोस्तों कि यहाँ पर 10x9 का रूम का साइज आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। यहाँ पर आते हैं तो ये हमारी किचन रहेगी दोस्तों। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो किचन है, आपको दो किचन हम अपनी तरफ से बना के दे रहे हैं। किचन आपकी जो रहेगी वो मॉड्यूलर रहेगी, जिसमें नीचे का पोर्शन मॉड्यूलर होगा या फिर ऊपर का पोर्शन होगा वो आप खुद चूज कर सकते हैं। इसमें हम एक किचन आपको मॉड्यूलर बना के देंगे, जिसमें आपको चिमनी वगैरह का स्पेस मिलेगा, पूरे बॉक्सेस लगे मिलेंगे, नीचे की साइड में भी काफ़ी बड़ा स्पेस है कि तीन लेडीज यहाँ पर खड़े होकर अपने किचन में अपना काम कर सकती है। इतना बड़ा स्पेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। पूरा ग्रेनाइट का वर्क आपको जो है पूरे सेल्फ पे मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए ग्रेनाइट का स्लैब आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। काफ़ी बड़े साइज का यहाँ पर सिंक मिल जाता है आपको। सैनिटरी फीचर्स यहाँ पर बर्तन धोने के लिए मिल जाते हैं। टाइल वर्क आपको हाईलाइट टाइल्स के साथ चारों तरफ कवरेज करके दोस्तों यहाँ पर एंड टू एंड मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों बात आ जाती है हमारे रूम की। एक छोटा हाउस है दोस्तों, वीडियो भी छोटी होगी तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। एक छोटा हाउस है और आपके बजट में है, तो इसलिए दोस्तों हम लोग मेहनत करते हैं सिर्फ आपके लिए। ये हमारा जो रूम है ये भाई 10x9 का रहेगा दोस्तों। सारे रूम का साइज जो है सिमिलर सा रहेगा। 10x9 का ये भी रूम आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको एक यूनिक स्टाइल में यहाँ पर भी मिल जाएगा। LED और कोव लाइट कवर यहाँ पर भी मिलेगा। LED का कलर व्हाइट रहेगा, कोव लाइट का कलर ब्लू एंड येलो में रहने वाला है दोस्तों। स्प्लिट AC का प्रोविजन मिल जाएगा, अंडरग्राउंड पूरी फिटिंग दी हुई है। यहाँ पर आप अपना स्प्लिट AC दोस्तों लगाना चाहते हैं तो लगा सकेंगे, वो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। वेंटिलेशन की प्रॉब्लम नहीं होने वाली, उसके लिए विंडोज वगैरह सब जगह जितने भी फ्रेम आपके जो हैं रहने वाले उसमें वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। और सारे फ्रेम जो है आपके MS के रहने वाले, आयरन के गेट आपको जो है यहाँ पर, सॉरी ये जो फ्रेम है वो लगाकर दोस्तों दे रहे हैं। ये नीचे का पोर्शन हो जाता है। हम ऊपर चलते हैं, ऊपर से दिखाते हैं कि ऊपर को भी आप जो है कैसा आपको हाउस बनाकर दे रहे हैं। ऊपर की साइड चलते हैं, यहाँ से कंटिन्यूसली करते हुए दोस्तों हम वीडियो को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसीलिए हम बीच में कट नहीं करेंगे कि आपको प्रॉपर लाइव नज़र आ जाए सारा का सारा। ये हाउस का जो है डिज़ाइन कैसा जो है इसका तैयार किया हुआ है। यू टर्न करते हुए स्टेयर पे आ जाते हैं। पूरी स्टेयर पे आप देख रहे हैं मार्बल का वर्क है। यहाँ से ऊपर आ जाते हैं जब हम, पूरा मार्बल वर्क स्टेयर में मिलेगा। तो यहाँ से जब ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो स्टेयर आपकी रूफ तक जा रही है, यहाँ पर भी आपको पूरा मार्बल वर्क लगा हुआ दोस्तों मिलेगा। अब इस साइड में हम लोग देख लेते हैं, ये हमारी बालकनी रहेगी दोस्तों। इस साइड में हमारी बालकनी है, यहाँ पर आपको SS की ग्रिल लगा कर देंगे दोस्तों। और इस साइड में आपको एक वॉशरूम बना कर देने हैं। दो वॉशरूम, दो किचन आपको मिल जाएंगे। ये वॉशरूम रहने वाला है जिसमें आपको 7.5 फीट की हाइट तक टाइल वर्क मिल जाएगा। नीचे इंडियन पॉट लगी है, अगर आप चाहते हैं इंग्लिश पॉट लगाना तो वो हम आपको दोनों वॉशरूम में लगा कर देंगे, जैसे आपकी इच्छा हो। सारे ब्रांडेड सैनिटरी फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। टैप टूटी शावर वगैरह सब मिलेंगे। वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो, सामने विंडो मिल जाती है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आ जाते हैं इस साइड में, तो यहाँ पर भी फ्लोरिंग पे आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको वुडन स्टाइल में टाइल वर्क दोस्तों देखने को मिलेगा। अब अंदर आते हैं तो अंदर आके सेम वही साइज़ आपको यहाँ पर भी बेडरूम में मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर भी कोई मर्जी से अगर अपना कोई वॉलपेपर लगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर भी जो आपके चौखट रहने वाली है जिसको हम फ्रेम बोलेंगे, वहाँ पर भी आपको विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। तो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर भी आपको नहीं होने वाली है। अंदर आते हैं तो यहाँ भी ऊपर आपको एक यूनिक स्टाइल में यहाँ पर भी फॉल सीलिंग का वर्क मिल जाता है दोस्तों। देखिए सब जगह आपको पूरी फॉल सीलिंग हम लोग करवा कर दे रहे हैं। फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको यहाँ पर भी मिलेगा, सारे रूम के अंदर मिल जाता है दोस्तों। यूनिक स्टाइल का जो है यहाँ पर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है। LED और कोवलाइट का वर्क यहाँ पर भी है। कलर मैं बता चुका हूँ, ब्लू येलो एंड वाइट कलर का जो है कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर ऊपर लाइटिंग का मिलेगा। यहाँ से आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक और किचन मिल जाती है दोस्तों। देखिए 4 बेडरूम, 33 गज का मकान, 4 बेडरूम और स्पेशियस भी बना। देखो कितना अच्छा जो है डिज़ाइन किया है कि 4 बेडरूम भी मिल जाते हैं आपको, 2 किचन भी मिल जाती है और 2 वॉशरूम भी मिल जाते हैं दोस्तों। दोनों का सेपरेट सेपरेट हो जाता है। अगर 2 फैमिली रहना चाहती है नीचे सेपरेट रह सकती है, 1 फैमिली ऊपर बिल्कुल सेपरेट रह सकती है। और इसके ऊपर भी दोस्तों पक्का बना हुआ मकान है क्योंकि जड़ से है, तो इसके ऊपर भी चाहे तो आप 2 से 3 मंजिल और बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पक्का पिलर वाला हमारा जो है ये जड़ से मकान लेंटर वाला रहने वाला है। किचन में पूरा यहाँ पर भी टाइल वर्क आपको मिलेगा, पूरी हाईलाइट टाइल्स यहाँ पर भी यूज़ की गई है दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं पूरा और यहाँ तक एंड तक आ जाते हैं, तो एंड टू एंड यहाँ पर भी टाइल वर्क मिलेगा। ब्रांडेड कंपनी के सैनिटरी फीचर्स आपको लगा कर देंगे। बर्तन धोने के लिए सिंक आपको काफ़ी बड़े साइज का मिल जाता है। ग्रेनाइट का स्लैब आपको यहाँ पर मिल जाता है एल शेप में। मैंने बताया कि इतना स्पेस है कि 2 से 3 लेडीज खड़े होकर किचन में काम कर सकते हैं, इतना स्पेस आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है। नीचे की साइड में सारे आपको बॉक्सेस वगैरह लगा देंगे, क्योंकि मॉड्यूलर किचन आपका रहेगा। मॉड्यूलर किचन की जो आपकी चिमनी रहेगी उसका कनेक्शन सामने रहेगा, और उसकी वेंटिलेशन का जो है हमने वहाँ पे पाइप जो है अंडरग्राउंड फिटिंग की है। पूरा पाइप आपको वहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा रूम। तो रूम देखते हैं, रूम का साइज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि 10x9 का साइज़ आपको मिलेगा। स्प्लिट AC का प्रोविज़न आपको दोस्तों यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप अपना स्प्लिट AC लगा सकेंगे। और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आपको यहाँ पर भी ऊपर दोस्तों देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर भी यूनिक स्टाइल में फॉल सीलिंग तैयार की गई है। LED और कोव लाइट का वर्क दोस्तों आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा।
और यहाँ पर भी अभी देख आप देख रहे हैं कि यहाँ पर व्हाइट वॉश जैसे ही हो रखा है, आप चाहे तो कोई कलरफुल अगर पेंटिंग करवाना चाहते हैं वो हम आपको आपकी मर्जी से करवा कर देंगे दोस्तों। और यहाँ पर जो भी वॉलपेपर, हम आपको एक बुकलेट देंगे, आप अपनी मर्जी से कोई वॉलपेपर लगाना चाहते हैं वो आप लगवा सकते हैं, आप एग्री कीजिए। 3D वॉलपेपर हो, कस्टमाइज हो या फिर कोई टेक्सचर वर्क हो, वो हम आपको आपकी मर्जी से दोस्तों करवा कर देंगे। उसके कोई चार्ज नहीं है, वो इसमें इंक्लूड रहेगा, उसके कोई चार्ज नहीं रहेंगे, सिर्फ आपकी मर्जी से इसमें डेंटिंग पेंटिंग आपको जो है मिल जाएगी। अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस दिखाने का दोस्तों मेरा यही जो है मतलब है कि आप अपनी मर्जी से कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। न्यू कंस्ट्रक्शन अगर आप रेडी टू मूव लेते हैं तो उसमें अगर कुछ चेंजेस कराना चाहें तो वो बाद में कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब आ जाते हैं दोस्तों रूफ की बारी, तो यहाँ से हम चलते हैं अपने रूफ के ऊपर। रूफ के ऊपर आपको पोर्शन दिखाते हैं, तो यहाँ से स्टेयर से चलते हैं, यहाँ पर ही आपको पूरा मार्बल का वर्क मिलेगा स्टेयर के अंदर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जब आप आएंगे यहाँ पर साइडों में आपको ग्रिल लगी हुई मिलेगी, यहाँ पर पूरा ग्रिल लगा कर देंगे। एंट्री से पहले आपको जो है रूफ की एंट्री, वहाँ पर आपको MS का गेट मिल जाता है आयरन का। उसके बाद आ जाते हैं हम अपनी फ्रंट पर, तो ये आ जाती है दोस्तों हमारी रूफ। रूफ देखिए काफ़ी बड़े साइज़ की आपकी रूफ रहेगी, यहाँ पर इतना बड़ा साइज़ है कि आप अपना छोटा मोटा फंक्शन अपनी रूफ के ऊपर ही कर सकते हैं, क्योंकि मकान छोटा है लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि आप अपना कम से कम यहाँ पर 50 बंदों की गैदरिंग भी ना कर सकें। यहाँ पर 50 से 60 बंदों की गैदरिंग करके आप अपने घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं दोस्तों। जो आपकी स्प्लिट एज का प्रोविज़न नीचे दिया गया है उसकी सारी मशीन जो है कंडेंसर होंगे वो इस पोर्शन में आएंगे, और जो आपकी किचन होगी उसकी वेंटिलेशन इस पाइप के द्वारा ऊपर की साइड से पास हो जाएगी। ये आपकी वेंटिलेशन के लिए दिया है, जो आपकी किचन में मशीन लगने वाली है जिसको हम चिमनी बोलेंगे मॉडुलर किचन में। और सामने आपका टैंक इंस्टॉल्ड है जिसमें आपको पानी की प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ से फ्रंट देखते हैं हमारा, तो ये आगे हमारा फ्रंट आ जाता है जो बालकनी आपकी रहने वाली है रूफ़ की। यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, तो इस पोर्शन में देखिए काफ़ी स्पेस आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, यहाँ तक हमने वॉल पिट की है इसमें। और इस पोर्शन में आपकी SS की ग्रिल आ जाएगी जो आपकी फ्रंट एलिवेशन को और भी खूबसूरत दिखाएगा। 10x30 की डायमेंशन में बना हुआ बहुत ही खूबसूरत दोस्तों जड़ से मकान, लेंटर वाला पक्का, लोकेशन दिल्ली के अंदर रहने वाली है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है दोस्तों। सारी फैसिलिटी के साथ आपको जो है ये जड़ से मकान मिल जाता है, लोनेबल प्रॉपर्टी है। लोन आप चाहते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 5 लाख रुपये देकर आप अपना ये जो है मकान ले सकते हैं दोस्तों। बाकी का जो अमाउंट है वो आपको हम फाइनेंस करवा के देंगे, लोन हम अपनी तरफ से आपको करवा के देंगे। रिहाइश करने में इस एरिया में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने लगी, क्योंकि चारों तरफ जो है यहाँ पर मकान बसे हुए हैं, लोग रहते हैं, सारी बसी हुई कॉलोनी है पूरी दोस्तों। मैंने सारी फैसिलिटी बताई आपको, यहाँ पर हॉस्पिटल, बैंक, ATM, जिम, स्कूल, मार्केट, मार्केट जो है सबसे मेन हो जाती है दोस्तों। मार्केट घर के पास ही आपको मिल जाती है, पक्की पक्की सड़कें, 25 फीट का वाइड रोड। और दोस्तों देखिए कि छोटा मकान है तो 25 फीट का वाइड रोड आपके घर के बाहर दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जी हाँ, मैं बिल्कुल आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी दोस्तों। बिल्कुल भी देर ना करें, पहले तो आप प्राइस चेक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ आपको प्राइस मिल जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आप चाहते तो वो मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर ये वीडियो आपके काम के नहीं दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें, जिनका कम बजट हो वो ये मकान ले सके, उनको आप बताइए कि डिस्क्रिप्शन में देख के प्राइस, इस प्राइस में आपको जो है ये घर बना हुआ दिल्ली की लोकेशन में हम दे रहे हैं दोस्तों, अच्छा बजट में, फाइनेंस फैसिलिटी के साथ दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आएगी दोस्तों, बिल्कुल भी देर ना करें। जी हाँ, बिल्कुल भी देर ना करें, जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, अपने मकान पर विजिट करें और अपने गृह प्रवेश की दोस्तों तैयारी करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।